संतान सप्तमी का व्रत सभी माएँ अपनी संतान की लंबी उम्र, उन्नति व रक्षा के लिए करती हैं। इस दिन माता पार्वती व भोलेनाथ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन व्रत रखने का खास महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने व विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करने से निसंतान महिलाओं को संतान सुख का वरदान मिलता है, साथ ही उन्हें महादेव और मां पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिकेय और श्री गणेश जैसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिन महिलाओं को संतान प्राप्त है उन संतानों की आयु लंबी व उन्नति प्राप्त होती है। वहीं महिलाओं द्वारा हर घर में पूजा की गई और रीवा के कोठी कंपाउंड शिव मंदिर में भी महिलाओं की पूजा के लिए काफी भीड़ दिखाई दी। ये व्रत संतान सप्तमी का है, जैसे अपन को इसके नाम से ही विदित होता है कि ये संतान के लिए किया जाता है और घर में सुख शांति रहे और संतान को सुख प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाल रहे। इसमें मुहूर्त वगैरह कुछ रहता है कि नहीं? आज जैसे हम लोग को पता चला कि 1:30 बजे से ये व्रत शुरू हुआ है, तो बहुत लोग कल भी इसको मना रहे हैं, लेकिन हमने आज ये व्रत किया क्योंकि अब आजकल तो सब त्योहारों के 2-2 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे घर के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने आज ही मनाया, इसलिए हमने भी ये व्रत आज कर लिया। क्या नाम है आपका? सीमा श्रीवास्तव।